हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल लेवल पर कॉस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा सीएमए फाइनल पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग के जून 2019 में आए क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस किस टॉपिक से आए, क्वेश्चन पेपर आसान था, मुश्किल था, किस तरह की कवरेज हुई, इन सब बातें में मैं बातें करूंगा आपसे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, कि आखिर ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। इसके अंदर एक था सेक्शन ए, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए छोटे छोटे दो दो नंबर के, और सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का था। फिर सेक्शन बी था, सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे। आपको इन 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन करने थे और एक क्वेश्चन था आपका 16 नंबर का, यानी 16 नंबर गुना 5 80 नंबर, 80 नंबर आपको अटेम्प्ट करने थे सेक्शन बी में से और 20 नंबर सेक्शन ए में से। तो ये था आपका एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या रहा। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, बल्कि मैं कहूंगा बहुत ही इजीएस्ट पेपर था ये। लेकिन हाँ, ये पेपर थोड़ा सा लिटिल लेंथी पेपर था, ऐसा काफी उनका फीडबैक आया है कि पेपर थोड़ा सा लेंथी था सर। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन की लेंथ थी काफी रीजनेबल थी, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे और उनकी लेंथ काफी नॉर्मल थी। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर, चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, डिजायर्ड सेल्स पूछा गया, नॉर्मल डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा गया, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बारे में पूछा गया, इनकम स्टेटमेंट निकालने के लिए कहा गया, डिसीजन मेकिंग चैप्टर से आया स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाने के लिए कहा गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन निकालने के लिए कहा गया, मेक और बाय डिसीजन के बारे में क्वेश्चन आया, लर्निंग कर्व, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर से आया है लेबर वेरिएंसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, असाइनमेंट, सिमुलेशन और कुछ आई आपकी थ्योरी जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। तो सबसे पहले खुशी की बात क्या है कि ये पूरे का पूरा पेपर हमारी बुक से 100% कवर हुआ है। जो बुक मैंने आपको दी है उससे एक एक क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं हर क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका जून 2019 स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, 100 नंबर का है, 3 घंटे का है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट है आपका जिसमें आपको दिया गया है टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और आपको निकालना था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। बेसिकली यहां पर क्या करना था आपको, आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था और वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट को अलग अलग करना था, और उसके बाद आप आसानी से निकाल पाते फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है ये आपको मालूम है, और इसकी डेरिवेशन भी हमने क्लास में करवाई थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपको रेवेन्यू दे रखा है, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है प्रोडक्ट का, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और आपको निकालना क्या है सेल्स, यानी कितनी सेल करें कि 63,000 रुपए की नेट इनकम कंपनी कमा ले। ध्यान में रखें टैक्स है 30%। तो ये क्वेश्चन था आपका, चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हम सीएमए इंटर लेवल पर ही सॉल्व करवा देते हैं। तो सोचिए सीएमए इंटर लेवल का क्वेश्चन जब सीएमए फाइनल के क्वेश्चन पेपर के अंदर आए तो क्या बोलेंगे आप, पेपर इजी नहीं इजीएस्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर बताया गया 4 प्रोडक्ट हैं, ई एफ जी एच, जो कि यूज करते हैं सेम रॉ मटेरियल।
और बताया गया आपको ई एफ जी एच को बनाने में कितनी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, प्रोडक्ट वाइज, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है आपको, वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है आपको, और आपको इसके अंदर बताना था कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसके बाद कम प्रॉफिटेबल कौन सा है, फिर उससे कम प्रॉफिटेबल कौन सा है, फिर उससे कम प्रॉफिटेबल कौन सा है। यानी कि अगर रॉ मटेरियल हमारे पास कम अवेलेबल है तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। कुल मिलाकर बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका डिसीजन मेकिंग चैप्टर से था और इसके अंदर आपको बनाना था स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के आपसे क्या निकल के आता आपका रैंक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर रखा आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, और नीचे आ जाइए दे रखा है इफ एन 80% लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल, निकालना है टोटल कॉस्ट ऑन दिस ऑर्डर कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका लर्निंग कर्व चैप्टर से था। लर्निंग कर्व क्या बोलता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी एक काम को बार बार अगर आप रिपीट करते जाएंगे तो उसमें लगने वाला समय कम 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 होता जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन को डबल करते हैं लगने वाला एवरेज टाइम कम हो जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, फोर्थ पार्ट, आसानी से आप कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पर। फिफ्थ पार्ट आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर से है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है बिल्कुल। सीएमए इंटर लेवल पर हम क्वेश्चन कवर कराते हैं क्लास के अंदर, बल्कि हमारी क्लास के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको छोटा करके एग्जाम में पूछा गया, वो भी सीएमए फाइनल के लेवल पर। अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, यहां पर निकालना क्या था आपका एक्चुअल आर्स वर्कड, आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से है और ये रिवर्स कैलकुलेशन की बात करता है। अच्छा, रिवर्स कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम क्लास में किए हुए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर लगती है 10 बॉक्स अप्रोच, और 10 बॉक्स अप्रोच अगर एक बार आपको समझ में आ जाए उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आने वाला हर क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है इजीएस्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। अगले पार्ट के अंदर आपको बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो, ये चैप्टर था आपका डिसीजन मेकिंग, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं इसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट, और डिफरेंट केसेस मैंने आपको क्लास में कवर करवाए हैं वन बाय वन, सिचुएशन बाय सिचुएशन। अगर ऐसा हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, वैसा हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये पार्ट भी बड़ा आसान था। फिर बात करते हैं अगले पार्ट की। अगले पार्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग चैप्टर से है, यह थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बस माइंड का आप इस्तेमाल करते जाइए और ये वाला पॉइंट आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नाइन्थ पॉइंट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इतना इजी क्वेश्चन था कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। 10वां पार्ट है आपका, यहां पर आपको शेडो प्राइस दिया हुआ था, शेडो प्राइस मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और आपको बताना था इसका मतलब क्या है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके जितने भी पार्ट थे आप आसानी से उनका आंसर दे सकते थे। अब इसके बात करते हैं बाद सब्जेक्टिव पार्ट की। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या है, सब्जेक्टिव, आपको सॉल्व करने थे। सेक्शन बी आंसर एनी 5 क्वेश्चन, आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 करने थे, मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। हर क्वेश्चन 16 नंबर का था। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के अंदर निकालना था प्रॉफिट एंड वॉल्यूम टू बी अचीव्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर टू जो है ये चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया है सीएमए इंटर के मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से। अब बताइए, जब एक ऐसा क्वेश्चन जो हम सीएमए इंटर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो जब सीएमए फाइनल लेवल पर पूछा जाए, क्या बोलेंगे आप, पेपर इजी नहीं, इजीएस्ट पेपर था। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर अभी आपको सेल्स निकालनी थी, सेकंड पार्ट के अंदर आपको निकालना था नेट
रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से था और आपको निकालनी थी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला कैसे बना आपको पूरे का पूरा क्लास में बताया गया था और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिमिलर क्वेश्चन है, क्लास के अंदर ही क्वेश्चन भी कवर किया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट ये पूरा आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर से है और ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बट ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करना ही क्या है, दो स्टेटमेंट बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर बात करते हैं अगले पार्ट की, बी पार्ट की। बी पार्ट के अंदर डिसीजन लेना था कि कोई एक कंपोनेंट है उसको मार्केट से खरीदे या घर में बनाए। करना क्या सिंपली था, हम बनाए थे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन, बनाने पे कितना खर्चा आएगा, बाहर से खरीदने पे कितना खर्चा आएगा, जहां पे खर्चा कम आएगा वो हमारा डिसीजन होगा। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर से है और ये क्वेश्चन एज इट इज CMA इंटर के जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर से उठाया हुआ है। फिर दोबारा से वही बात, जब CMA इंटर लेवल के क्वेश्चन को CMA फाइनल लेवल में पूछोगे तो क्या कहेंगे, पेपर इजी नहीं, इजीएस्ट पेपर था। बात करते हैं बी पार्ट की, बी पार्ट के अंदर क्या निकालना था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, कुल मिलाकर बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर मैंने आपको दे रखी 10 बॉक्स अप्रोच। उस 10 बॉक्स अप्रोच के बाद कोई भी क्वेश्चन मुश्किल बचता ही कहां है। CMA इंटर लेवल पर 8 बॉक्स अप्रोच, CMA फाइनल लेवल पर 10 बॉक्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 5A, यहां पे निकालनी थी आपको इनकम एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एज पर एब्जॉर्प्शन एंड एक्चुअल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वही CMA इंटर लेवल का क्वेश्चन है और आखिरी में से करना था रिकंसाइल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट था लर्निंग कर के बारे में बताओ, स्टेट द पॉसिबल एरियाज, प्योर थियोरटिकल पार्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A जो आपका था, ये आपका था ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर से। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, एक कंपनी में दो डिपार्टमेंट हैं, दो डिपार्टमेंट के दो मैनेजर आपस में लड़ते हैं, मार्केट में बेचूंगा अंदर नहीं दूंगा, ऐसे में क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस मुन्ना को मनाते हैं कि तू बाहर नहीं अंदर बेच, हम मानेंगे तूने कंपनी को प्रॉफिट कमा के दिया। तो ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालते हैं, दो तरीके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, और दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन को निकालना था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फिर बी पार्ट में था मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सिग्निफिकेंस, थ्योरेटिकल पार्ट था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A आपका था, ये है चैप्टर आपका असाइनमेंट। इसके अंदर आपको मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम दे रखी है, आपको पहले मिनिमम वाली यानी मिनिमाइज करने वाली प्रॉब्लम में से कन्वर्ट करना था, उसके बाद वही रो स्टेप, कॉलम स्टेप, लाइन स्टेप, इंप्रूवमेंट स्टेप लगा देना था। फिर बी पार्ट, बी पार्ट आपका आया है, इस चैप्टर का नाम है सिमुलेशन। इसके अंदर बनते हैं दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज, स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डेटा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो कि डेंटिस्ट के ऊपर है, हमने क्लास में आपको ऑलरेडी कराया हुआ है तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। 8th पार्ट थ्योरी पार्ट था, थ्योरी आपकी क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है, थ्योरी की आपको पतली सी बुक मिली है और वैसे भी 5 क्वेश्चन थे, आपको 4 करने थे और आप इनके बारे में अपनी नॉलेज के बेस पर भी एग्जाम में लिख सकते थे। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि भाई साहब जो ये पेपर आया था जून 2019 में, CMA फाइनल पेपर नंबर 15, बहुत ही इजी 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 पेपर था, बहुत ही आसान 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 पेपर था। तो आई होप कि आपको इसका पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा और जब आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको ये एनालिसिस हेल्प करेगा इस बात को समझने में कि एग्जाम में पेपर सेट कैसे होता है, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू।